तो दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा फ्रिज में काफी मात्रा में बर्फ जम जाता है। आखिर ये बर्फ क्यों जमता है, कभी ये सोचा है आपने? ये बर्फ जमने का असली रीजन क्या हो सकता है, कैसे करके आप इस बर्फ को हटा सकते हैं? तो दोस्तों अगर ये सब जानना चाहते हो और अपना फ्रिज को सही सलामत रखना चाहते हो तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपके फ्रिज से रिलेटेड। क्या आपको पता है, ये मुझे जानना है। अगर पता हो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स फांका है, वहां पे जाके कमेंट करके जरूर बताना। तो फर्स्ट सवाल है मेरा, आप जब दोस्तों घर से बाहर जाते हैं कुछ टाइम के लिए, उस वक्त क्या आपके फ्रिज को ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ कर देनी चाहिए? सेकंड सवाल है, आप जब रात को सोते हैं उस वक्त आपके फ्रिज को ऑन रखना चाहिए या ऑफ कर देनी चाहिए? और थर्ड सवाल है, 24 घंटों में से दोस्तों कितने घंटे आपके फ्रिज को ऑन रखना चाहिए और ऑफ रखना चाहिए? फोर्थ सवाल है दोस्तों, डिफ्रोस्ट क्या होता है, आखिर डिफ्रोस्ट कैसे किया जाता है और कब करना चाहिए? तो दोस्तों अगर ये सब आपको पता है तो नीचे बेझिझक कमेंट करें, मुझे बताएं। और अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत ही अच्छे से अपने फ्रिज को डैमेज कर रहे हो धीरे धीरे। घबराइए मत, मैं आपके लिए हूँ। मैंने दोस्तों इस टॉपिक पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखा है, आपके लिए स्पेशली एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है जिसमें दोस्तों आपके फ्रिज के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके जितने भी सवाल अभी मैंने पूछा सारे के आंसर दिया हुआ, वो भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ। अब वो प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके दोस्तों ये प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, और आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाकर उसे चेक कर सकते हैं। पर रुको रुको, ये वीडियो देखने के बाद, अभी नहीं, ये वीडियो कंप्लीट देख लो, उसके बाद आपको वो वीडियो है वो देख लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर से एक बार हमारे फर्स्ट अनबॉक्सर यूट्यूब चैनल में। हम इसी तरह के दोस्तों यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, टेक अनबॉक्सिंग और रिव्यूज करते हैं जो कि दोस्तों आपको बहुत पसंद आता है। आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में दिया हो बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आगे भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर दे ताकि हमें और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अब चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके फ्रिज में बर्फ जमने का बेसिकली 3 रीजन हो सकता है, मैं आपको सारे रीजन भी बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो पहला रीजन ये हो सकता है, आपके फ्रिज के आइस चेंबर में एक वायर होता है जो कि दोस्तों कनेक्टेड होता है थर्मोस्टेट से। वो वायर का काम यह है कि आप जब अपने फ्रिज में एक टेम्परेचर सेट करते हैं, वो टेम्परेचर जब बन जाता है उसके बाद वो थर्मोस्टेट को दोस्तों ऑटोमेटिकली एक सिग्नल देता है जिससे वो कंप्रेसर को बंद कर देता है। अगर दोस्तों कोई कारण से या गलती से वो वायर अपने जगह से हट जाए तब फिर ऐसा प्रॉब्लम दिखता है। वो वायर अगर वहां से हट जाए तब अगर आपके टेम्परेचर को आप सेट करो तब वो टेम्परेचर बनने के बाद भी वो थर्मोस्टेट तक वहां पे सिग्नल नहीं पहुंचता है, तब दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम होता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। तो सॉल्यूशन ये है कि आप दोस्तों अपना वो वायर को एक बार चेक कर ले, वो अपना जगह पे ठीक ठाक है या नहीं। अगर दोस्तों ठीक ठाक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है अपना जगह पे तो उसको अपना जगह पे लगा दो, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब सेकंड नंबर अगर रीजन की बात करें तो सेकंड नंबर रीजन ये है कि हो सकता है आपके फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है वही खराब हो गया हो। बहुत टाइम क्या होता है दोस्तों कि आपके फ्रिज के थर्मोस्टेट खराब होने से भी ऐसा प्रॉब्लम दिखता है। इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको थर्मोस्टेट चेंज करने की जरूरत है। आप अपनी खराब थर्मोस्टेट को रिपेयर कराएं या फिर उसे चेंज करके अगर नया लगा देते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब अगर थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन है, आप जब अपने फ्रिज के थर्मोस्टेट का कूलिंग को सेट करते हैं वो अगर आप मैक्सिमम लेवल पे सेट कर दे, यानी आपके फ्रिज में जो भी दोस्तों मैक्सिमम लेवल है 5, 7, 8 जो भी है उस पे अगर आप सेट कर दे एक बार तो फिर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर हाई लेवल पे अपना थर्मोस्टेट का कूलिंग सिस्टम को अगर सेट कर दे उस टाइम पे भी दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम दिखता है। तो इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आप एक बार चेक कर ले आप कौन से नंबर पे सेट करके रखे हैं अपना कूलिंग सिस्टम को, तो वहां पे दोस्तों आप जितना भी उसे कम कर देंगे यानी जो मैक्सिमम लेवल पे आप रखे होंगे वहां से अगर 1-2 स्टेप कम कर देंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों जो 3 रीजन बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है, इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अगर आपका ऑलरेडी बर्फ जम चुका है तो उस बर्फ को आपको कैसे हटा सकते हैं। इसकी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हर एक फ्रिज में अभी डिफ्रॉस्ट सिस्टम आता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अपने फ्रिज का आइस चेंबर के बगल में जो कूलिंग सिस्टम होता है जहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 करते हैं ठीक वहीं पे दोस्तों डिफ्रॉस्ट का बटन होता है, उस डिफ्रॉस्ट बटन को अगर प्रेस कर देते हैं आप तो दोस्तों सारे बर्फ जो है वो पानी होके हट जाते हैं। ये होता है सबसे सटीक नियम। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस से आप अपने सारे बर्फ को हटा सकते हैं।
बट दोस्तों इनकेस अगर आपका डिफ्रोस्ट बटन नहीं है आपके फ्रिज में, ऐसे तो 99% फ्रिज में डिफ्रोस्ट बटन रहता है, पर दोस्तों आपके केस में अगर डिफ्रोस्ट बटन नहीं है या फिर डिफ्रोस्ट बटन खराब हो चुका है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और उस गर्म पानी को बर्फ के ऊपर दे देना है। फिर दोस्तों 5 मिनट के अंदर वो बर्फ वहां से हट जाएगा बहुत ही इजीली। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया आखिर आपके फ्रिज में कैसे बर्फ जमता है, उस बर्फ को आप कैसे हटा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को लाइक करना है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में दिया गया बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए आगे ऐसे वीडियोस पाने के लिए। अब दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स फांका है, वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं, और भी अगर ऐसा वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप दोस्तों मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप मुझसे डीएम कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको वो प्लेलिस्ट के बारे में जानना है, देखना है वो प्लेलिस्ट जिसके बारे में वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था, तो यहां पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर हमारे न्यू फ्रिज का अनबॉक्सिंग देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।